गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। कोरोना की सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है। प्लीज़ अपने घर में बड़ों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, अपनों खुद का ध्यान रखें, अपने सब फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें। जबकि बार ये जो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना आया है, ये ज़्यादातर मतलब बच्चों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। पिछली बारी वाला जो लास्ट ईयर का जो कोरोना जब हुआ था, तो इट हैज़ नॉट इम्पैक्टेड मच टू द चाइल्ड, बट दिस ईयर इट हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट ऑन किड्स। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ योर किड्स, और अपना जितना हो सके ध्यान रखें। और जो भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, कर्फ्यू लगाए हुए हैं, लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें। ये सब आपके फ़ायदे के लिए ही है। मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आप सब लोग बहुत स्मार्ट हैं और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहे होंगे। मैं बहुत ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और अपना ध्यान रखते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विटामिन ई का स्किन ट्रीटमेंट, जो आप कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि विटामिन ई कितना हेल्दी होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपकी स्किन को हेल्प करती हैं। जैसे कि आपके स्किन पे रिंकल्स हो जाते हैं या कोई डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं, डार्क सर्कल्स हैं, आपके हेयर फॉल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो विटामिन ई का अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं अपने स्किन के ऊपर या जो भी आप हेयर ऑयल कर रहे हैं उसमें ऐड करते हैं अगर उस विटामिन ई को, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। विटामिन ई मेरा बहुत फेवरेट है और ये बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आपको मिल जाता है। इस तरीके के कैप्सूल्स होते हैं देखने में, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, तो बहुत ईजीली अवेलेबल है एंड दे आर वेरी चीप। This is like for 37 rupees, only 37 rupees and it has 10 capsules in it. So बहुत ही रीजनेबल होता है। और मैं तो जैसे हेयर ऑयल लगाती हूँ तब भी मैं उसमें कैप्सूल ऐड करती हूँ, स्किन पे भी अपने बहुत यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी यूज़ करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके का विटामिन ई स्किन ट्रीटमेंट करती हूँ फॉर माई फेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो विटामिन ई के कैप्सूल ले लेने हैं और फिर उनको आप कट कर लीजिए। आप बाउल में भी कट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने हैंड पे भी पोर कर सकते हैं। सो मैं डायरेक्टली हैंड पे पोर करूँगी। सो मैंने ये दो विटामिन ई के कैप्सूल लिए, अब इसको आप अपने हैंड पे, जो भी इसका ऑयल है वो अपने हैंड पे निकाल लीजिए और अपने हैंड पे रब कर लीजिए और फिर नाउ डैब इट ऑन योर फेस, ऑल ओवर योर फेस, ऑन योर आईज, अंडर आईज, और फिर जेंटली इससे अपने फेस पे आप एक दो मिनट के लिए इसको मसाज कीजिए ताकि आपके स्किन में अच्छे से जो है एब्जॉर्ब हो जाए। फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले कि आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद आपको दो विटामिन ई के कैप्सूल्स अपने हाथ में लेने हैं और फिर जैसे आप फेशियल करते हैं ना, जिस तरीके से आप अपने पूरे फेस पे आप फेस पैक लगाते हैं, उसी तरीके से आपको ये विटामिन ई ऑयल को अपने पूरे फेस पे लगाना है। आप चाहे तो नेक एरिया पे भी लगा सकते हैं और इसको जेंटली रब करें एक दो मिनट के लिए और फिर इसको अपने फेस पे छोड़ दें फॉर 10 मिनट्स। सो मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट्स के बाद। सो फ्रेंड्स, आपने फेस पे 10 मिनट्स पहले आपने इसको लगाया, अच्छे से मसाज किया, फिर 10 मिनट्स के लिए आपको इस विटामिन ई को अपने फेस पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपने फेस को जो है वॉश कर लेना। मैं अपने फेस को ऑलरेडी वॉश करके आ चुकी हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप आता है, आप कोई भी रोज़ वाटर ले सकते हैं, कोई भी रोज़ वाटर ले सकते हैं या आप टोनर भी यूज़ करते हैं। जो आप टोनर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टाइम रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। रोज़ वाटर को आपको फिंगर बॉल इस पर कॉटन बॉल पर लेना है, आप स्प्रे कर लीजिए और फिर इसको आप अपने पूरे फेस पे जेंटली रब कर लीजिए। थोड़ा सा और ले लेती हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा है।
पूरे फेस पे, आपको नेक पे, जहाँ भी आप चाहते हैं, जहाँ भी आपने विटामिन ई लगाया था, अब वहाँ पे इसको लगा लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने पूरे फेस पे टोनर को लगा लिया, टोनर के लिए रोज़ वाटर को लगा लिया, आप टोनर भी लगा सकते हैं। और अब लास्ट स्टेप है, आपको एक विटामिन ई कैप्सूल लेना है और इसको कट कर लीजिए और इसके कुछ ड्रॉप्स अपने फिंगर पे ले लीजिए। आपको पूरा नहीं लेना है, कुछ एक दो ड्रॉप्स आप ले लीजिए और इसको अपने पूरे फेस पे, जैसे आप एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं उस तरीके से अपने फेस पे लगा लीजिए। बहुत जेंटली आप इसको अपने फेस पे रब करिएगा। नेक एरिया पे भी। सो फ्रेंड, दैट्स इट। अगर आप इसको रेगुलरली एज इन आप इसको ट्वाइस या थ्राइस अ वीक अगर करते हैं, तो आपको अपने फेस पे बहुत जल्दी चेंज फील होगा। आप जब भी आपको टाइम मिले आप इसको करिए, रात को सोने से पहले करिए और रात को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और सुबह नॉर्मल अपने फेस वॉश, जिससे भी आप वॉश करते हैं उससे आप वॉश कर लीजिए। आई प्रोमिस यू, आपको मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन 2 to 3 weeks में आपको अपने फेस पे डिफरेंस मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ इट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये जो स्किन ट्रीटमेंट जो भी मैं अपने विटामिन ई को किस तरीके से यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, वो तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, जो भी तरीके जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।